हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एमटी मेंस का डिस्कशन और फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, क्या कहा गया है आपके पास कि 8x और y हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है और इसके अलावा आपका x y कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर्स है ना। तो x क्या होना चाहिए आपका भाई, x 8 और y का hm होना चाहिए। तो 2 into 8 into y upon 8 plus y रिक्वायरमेंट है। तो x इज इक्वल टू 16y अपॉन 8 प्लस y, है ना। अब मैंने आपको फोर्स फैक्टराइजेशन के बारे में ऐसे केसेस में बताया था, अगर आप इस सबको एक साइड लेते आओ तो xy plus 8x ठीक है minus 16y is equal to 0, ये इक्वेशन बन रही है। तो आप यहां से देखो, फोर्स फैक्टराइजेशन करो, x के साथ y plus 8 आ जाएगा, 16 के साथ y plus 8 की जरूरत होगी और इसका मतलब इधर हमें क्या चाहिए होगा, -128, क्योंकि -128 हम दोनों साइड ऐड कर रहे हैं। तो आपके पास दो फैक्टर्स हो गए, x माइनस 16 y प्लस 8 इज इक्वल टू -128। इसके लिए आपको देखना है कि x और y के ऐसे कौन से इंटीजर्स होंगे, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स, सो दैट कि ये प्रोडक्ट -128 हो जाए। तो देखिए क्या हो सकता है, ये आपका 16 हो जाए, है ना, ठीक है, मतलब एक ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं। चलिए माइनस साइन देखो किसके साथ आएगा, माइनस साइन यहाँ ले आना है, इसमें तो माइनस आ नहीं सकता, यहीं से आना पड़ेगा, है ना। तो एक हमने कहा कि माइनस वन और ये 128 हो जाए, ठीक है। और क्या हो सकता है, माइनस टू और ये 64 हो जाए, ठीक, माइनस फोर और ये 32 हो जाए, इसी तरीके से और क्या बना सकते हैं हम, 4 के बाद 8 हो सकता है, 8 और 16, माइनस 6, 8 के बाद और किससे 128 डिविजिबल होगा, तो 16 से ही होगा, है ना, ये माइनस 16 हो जाए, ये 8 हो जाए। इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 32 आएगा, लेकिन ये क्वांटिटी माइनस 32 नहीं हो सकती, है ना, क्योंकि x आपका पॉजिटिव है। तो आपके पास, अच्छा पॉजिटिव है चूंकि x, इसलिए जीरो भी नहीं पॉसिबल है ना x और y के लिए, ठीक है। तो x और y के लिए जीरो भी नहीं पॉसिबल है, x माइनस 16 आपका माइनस 16 भी नहीं हो सकता, मतलब ये वाला केस भी रिजेक्टेड है। तो आपके पास ये केसेस हैं, x इज इक्वल टू 15 हो जाए, y इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 14 हो जाए, y इज इक्वल टू 56, x इज इक्वल टू 12 हो जाए, y इज इक्वल टू 24, और x इज इक्वल टू 8 हो जाए और y इज इक्वल टू 8 हो जाए, ये सारी पॉसिबिलिटीज आपके पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है कि नॉर्मल्स एट टू पॉइंट्स ऑन द पैराबोला इंटरसेक्ट ऑन द पैराबोला, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पे आपने दो पॉइंट्स पे नॉर्मल्स खींचे और वो आपस से पैराबोला पे ही आके इंटरसेक्ट करते हैं, लाइन थ्रू दीज टू पॉइंट्स पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट अल्फा बीटा, ठीक है। तो आपको क्या पता होता है कि अगर पैराबोला के दो पॉइंट सपोज T1 और T2 हैं और उनपे खींचे गए नॉर्मल्स वापस से पैराबोला पे ही इंटरसेक्ट करते हैं, तो आपको मालूम होता है कि T1 T2 शुड बी इक्वल टू 2, यही होता है, ठीक है। T1 और T2 पे खींचे गए नॉर्मल्स वापस से पैराबोला पे ही आकर इंटरसेक्ट करेंगे, कब, जबकि T1 और T2 का प्रोडक्ट 2 के बराबर हो, ठीक है। इफ द लाइन पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट्स, मतलब उस लाइन के बारे में बात कर रहा है जो T1 और T2 को ज्वाइन करती है, मतलब कॉर्ड ज्वाइनिंग T1 एंड T2, ठीक है, उसी के बारे में बात की जा रही है। और इसका इक्वेशन क्या होता था, यही होता था, है ना, एक ही वैल्यू 1 है। इस लाइन के बारे में बात की जा रही है, T1 T2 का प्रोडक्ट आपको पता है, तो आपने इसको लिख दिया 2x, ठीक है, a आपका 1, T1 T2 की जगह 2 रख दो, तो 2x plus 4 आपका एक साथ हो गया, माइनस टी प्लस 2/t, है ना, T1 को T रख दिया तो T2 कितना हो गया, 2/t हो गया, और y इज इक्वल टू 0, है ना। तो अपन क्या कह सकते हैं, किस पॉइंट से पास करेगा, यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, ये माइनस 2, 0 वाले पॉइंट से हमेशा पास करेगा, ठीक है भाई, ये लैम्डा के तरीके से बिहेव कर रहा है, ये L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0, फैमिली ऑफ लाइन बन गई, है ना, ये आपका L1 हो गया और ये प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू 0। तो L2 आपका है y इक्वल टू 0, L1 है आपका 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन थी और ये आपका माइनस 2, 0 से पास करेगी।
क्वेश्चन नंबर थ्री आपका देखिए क्या कहा जा रहा है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ x1 x2 x3 x4 इन सब का प्रोडक्ट 770 है। तो x1 x2 x3 और x4 का प्रोडक्ट कितना है 7 है ना, और उसके साथ 110 के फैक्टर्स करेंगे तो हमारे पास एक 5 आ जाएगा है ना, एक 11 भी है और एक 2 भी है, आ गया क्या 7, हाँ ठीक है। इसके आपको निकालने हैं कि पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस क्या होंगे, ठीक है। तो x1 में क्या हो सकता है, x1 में चाहे x2 में चाहे x3 में चाहे x4 में सब कैसे होंगे, सपोज x1 लिखना चाहूं तो मैं इसमें क्या होगा, 2 की कुछ पावर रही होगी, 11 की कुछ पावर रही होगी है ना, 5 की कुछ पावर रही होगी, 7 की कुछ पावर रही होगी, ठीक है। इसी तरीके से x2 में a2 b2 c2 और d2 हो जाएंगी पावर्स, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करते थे, x2 की बात करें तो कुछ ऐसा है ना, ऐसे ही x3 में a3 b3 हो जाएगा, x4 में a4 b4 हो जाएगा। तो जब सबका प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, 2 की पावर a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, 11 की भी पावर में b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस b4, 5 की पावर में भी वही चीज, ठीक है, और 7 की पावर में भी वही चीज, ठीक है। लेकिन ये कितने के बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए 1 के बराबर, ये कितने के बराबर होना चाहिए 1 के बराबर, तो यहाँ पे 11 की पावर 1 ही है ना, तो इन सबका सम कितना आना चाहिए 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 है ना। तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 के इनका सम कितना होना चाहिए 1 के बराबर होना चाहिए, एंड ऑल दीज कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम 0 to 1, सभी अपना 0 भी हो सकती हैं 1 भी हो सकती है, यही है ना। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल या नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने होंगे, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, तो कितने हो जाए 1 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1, ठीक है, 4C3 मतलब 4 वेज, ठीक है। इसके भी कितने होंगे ऐसे ही 4 वेज आएंगे, इसके भी 4, इसके भी 4, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए 4 की पावर 4, ठीक है, 256 वेज हो गए। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n, तो n आपका कितना आ रहा है, n है आपका 256, ठीक है, और वो 3 से डिविजिबल नहीं है, है ना, इनका सम। फिर n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये भी बात गलत है। थर्ड में ऑप्शन में क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n इज 9 एंड n इज डिविजिबल बाय 12, तो ऑफ कोर्स n इज नॉट डिविजिबल बाय 12 और आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, tan थीटा प्लस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 3 tan 3 थीटा, इसके लिए आपको सॉल्यूशंस देखने हैं। तो आपने क्या करना है, लिख दिया tan थीटा प्लस पाई बाय 4 को 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 3 tan 3 थीटा, तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला आपका क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, यही होता है, ठीक है। tan थीटा को t मान लो, तो 1 प्लस t क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस 3 t स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3 t माइनस t क्यूब और इनटू 1 माइनस t, ठीक है। तो आपके पास ये फोर्थ डिग्री की इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, है ना, फोर डिग्री की इक्वेशन बनेगी। फोर डिग्री की इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा और tan डेल्टा, यही होंगे ना भाई। टी क्या है, tan थीटा है, तो रूट्स क्या आएंगे, tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा और tan डेल्टा आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस फोर्थ डिग्री इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स बस यही पता करना था, तो बस एक बार इसको एक्सपेंड कर लो, सम ऑफ रूट्स आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कहा जा रहा है, सेंटर ऑफ सेट ऑफ सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 3 लाइज ऑन सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, द लोकस ऑफ एनी पॉइंट इन द सेट, सेंटर ऑफ सेट ऑफ सर्कल्स, अच्छा सेंटर ऑफ सेट ऑफ सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 3 लाइज ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, इसके जो सेंटर्स हैं, ठीक है, जो हम सर्कल बना रहे हैं वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 पे वो सेंटर्स लाई करते हैं, ठीक है। और सपोज यहाँ पे सर्कल तुम्हें बनाना है
तो उसका रेडियस कितना लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। तो ये 5 यूनिट्स है ना, ये डिस्टेंस 5 यूनिट्स है, 3 यूनिट रेडियस का एक सर्कल बनाओगे तो ऑब्वियसली ये वाला जो भाई, ये देखो 5 ये पहले ही से था, 3 यूनिट का ये बन गया, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट आएगा, ठीक है, वो पॉइंट तुम्हारा मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस पे होने वाला है भाई, जो हम सर्कल्स बनाएंगे उसमें जो सबसे दूर का पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है, ये वाला पॉइंट भाई, इन सारे ये सारे पॉइंट्स है ना सर, जो कि सेट में लाइक करते हैं, ऐसे ही यहां वाला सर्कल होगा, ऐसे बहुत सारे सर्कल्स होंगे, है ना, उस सर्कल के जो पॉइंट है वो हमारा सेट फॉर्म कर रहे हैं। तो सर्कल में जो सबसे दूर पॉइंट होगा ये वाला जैसे है, या फिर यहां पे होगा, ये ओरिजिन से भाई, ये पॉइंट सपोज एक्स वाई है, तो ओरिजिन से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे यही है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका मैक्सिमम कितना हो सकता है, 64 हो सकता है ना भाई, 5 और 3 8, मतलब ये इस पॉइंट की डिस्टेंस 8 से ज्यादा नहीं होगी। तो इसका मतलब एक्स वाई और 0 0 के बीच की डिस्टेंस 8 से ज्यादा नहीं होगी, और इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका 64 से छोटा होगा। और इधर देखें तो ये 5 था, 3 यूनिट्स यहां पे, तो ये मिनिमम डिस्टेंस पे पॉइंट है ये वाला, वो भी कितने डिस्टेंस पे होगा, 2 यूनिट्स। तो 0 0 और एक्स वाई के बीच 2 से ज्यादा डिस्टेंस हमेशा होगी, 2 या 2 से ज्यादा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका 4 से बड़ा ही रहेगा। सबसे ज्यादा डिस्टेंस 8, सबसे कम डिस्टेंस ओरिजिन से 2, ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहा गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है R2 प्लस R3 इज इक्वल टू R प्लस R1 एंड एंगल B इज ग्रेटर देन पाई बाई 3, ठीक है, तो R2 प्लस R3 इज इक्वल टू R प्लस R1, ठीक है, देखते हैं, डेल्टा अपॉन एस माइनस बी प्लस डेल्टा अपॉन एस माइनस सी इज इक्वल डेल्टा अपॉन एस प्लस डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, डेल्टा कट गया, क्या आएगा एलसीएम लो, 1 अपॉन एस माइनस बी प्लस 1 अपॉन एस माइनस सी, मतलब ए अपॉन एस माइनस बी एस माइनस सी। यहाँ पे देखो 2s माइनस ए अपॉन एस इंटू एस माइनस ए, ठीक है, इतनी बात। अब हमें तो b के बारे में पता है, और यहाँ पे हमारे पास एस एस माइनस ए अपॉन एस माइनस बी एस माइनस सी कर भी दें तो हमारे पास टेन ए बाई 2 का फॉर्मूला बन जाएगा, है ना, टेन स्क्वायर ए बाई 2 का, तो उससे तो कुछ खास फायदा है नहीं, हमें b के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, तो अपन b में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, यहाँ से तो कोई फायदा डायरेक्टली नहीं हुआ। अगर अपन इसको ले लें आर माइनस आर टू इज इक्वल टू आर थ्री माइनस आर वन, ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, डेल्टा अपॉन एस एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस ए, तो ये बना लेगा आपका माइनस बी अपॉन एस एस माइनस बी, यहाँ पे आपका सी माइनस ए अपॉन एस माइनस सी एस माइनस ए, ठीक है, तो एस एस माइनस बी अपॉन एस माइनस सी, ठीक है, इंटू एस माइनस ए, ये आपका कितना हो गया b अपॉन a माइनस सी के बराबर, तो दिस इज योर टेन स्क्वायर b बाई 2। टेन स्क्वायर b बाई 2 के बारे में आपको मालूम है ना, ये इसके बराबर है, और b बाई 2 का मतलब क्या होगा, b अगर पाई बाई 3 से बड़ा है, पाई बाई 2 से छोटा है, तो b बाई 2 आपका, b बाई 2 आपका कहाँ से कहाँ के बीच है, पाई बाई 6 से बड़ा होगा, है ना, और पाई बाई 4 से छोटा होगा, तो दिस b अपॉन a माइनस सी, ठीक है, b अपॉन a माइनस सी, ये आपकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या ले सकता है, टेन स्क्वायर पाई बाई 4, और सबसे छोटी वैल्यू क्या ले सकता है, टेन स्क्वायर पाई बाई 6, ठीक है, तो यहाँ से ए बी सी में आपके पास रिलेशन निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपको सोल्यूशन के लिए कहा जा रहा है, साइन की पावर 4 इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर टेन की पावर 8, है ना। अब आप देखो सिंपल सी बात है, ये क्वांटिटी हमेशा 1 या 1 से बड़ी रहेगी और ये क्वांटिटी हमेशा 1 या 1 से छोटी रहेगी, है ना, तो बाउंडेडनेस वाला केस है, तो बाउंडेडनेस वाले केस के लिए पॉसिबिलिटी कब होगी, जब साइन की पावर 4 भी 1 हो जाए और साथ में 1 प्लस टेन की पावर 8 भी तुम्हारा 1 के बराबर ही हो जाए, दोनों 1 हो जाए, तो क्या कभी दोनों साइमल्टेनियसली 1 हो सकते हैं, नहीं, क्योंकि अगर टेन एक्स यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, टेन एक्स जीरो, टेन एक्स अगर जीरो हो गया तो साइन एक्स तुम्हारा जीरो ही होगा,
है ना, इसलिए ये पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब दोनों सिचुएशन साइमल्टेनियसली नहीं हो सकती, कोई ऐसा एक्स नहीं है जबकि ये भी वन हो जाए और ये भी टर्म वन के बराबर हो जाए, इसलिए नो सॉल्यूशन। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कहा जा रहा है, कोफिशियंट निकालना है आपको एक्स क्यूब का, किसमें, वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5 में। ठीक है, तो अब इसका जो जनरल टर्म आएगा वो क्या आएगा, देखो एक्स क्यूब बनाने के लिए क्या तरीके होंगे, इसकी पावर में मैं 1 लगा दूं, इसकी पावर में 1 लगा दूं, ठीक है 1 1 2, और इसकी पावर में कितना लगाना पड़ेगा, फिर 3 लगाना पड़ेगा, क्योंकि इन तीनों का पावर्स का सम 5 के बराबर होना चाहिए, मल्टीनोमियल थ्योरम यूज कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर की पावर में 1 लगा दिया, एक्स की पावर में 1 लगा दिया, ठीक है, तो 2 यहां से 1 यहां से 3 पावर्स हो गए, ठीक है, सॉरी एक्स क्यूब का जुगाड़ हो गया 1 1 2, टोटल सम 5 होना चाहिए, इसलिए यहां पे 3 लगा दिया हमने। और क्या कर सकते हैं अपन, 3 के 3 यहां से उठा ले एक्स, है ना, इसको पावर 3 दे दे, इसको पावर 0 देनी पड़ेगी फिर, ठीक है, और यहां पे हम पावर कितना लेना पड़ेगा, हमें 2 के बराबर लेना पड़ेगा। ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, तो नहीं, क्योंकि ये 2 ले नहीं सकता है, 4 लेकर के कोई फायदा नहीं है, तो आपके पास सिर्फ यही 2 केसेस हैं, मतलब 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और -1 की पावर में 1 और यहाँ पे 1 की पावर में 1, और इस केस में 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 की पावर में 2 -1 की पावर में 3 और 1 की पावर में 0। ठीक है, तो इन दोनों का सम जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपका मैथमेटिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, क्या बोला गया है, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स हैं, एक P implies Q को यूज करना है और एक यूज करना है निगेशन P और Q को। ठीक है, निगेशन P एंड Q को, है ना, इसको यूज करना है। तो देखिए ट्रुथ टेबल के थ्रू जाते हैं अपन, है ना, तो P है Q है और आपके पास एक निगेशन P, हाँ निगेशन P भी यूज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये आपके पास रहा, ठीक है, मान लीजिए ट्रू ट्रू, और फिर इसके बाद क्या है, P implies Q, इसका ले लेते हैं एक ट्रुथ टेबल, एक ट्रुथ टेबल ले लेते हैं अपन निगेशन P और Q का, ठीक है, और फिर अपना फाइनल स्टेटमेंट जो है कि P implies Q और उसके साथ में आपका डबल implies, ठीक है, निगेशन P और Q, इसकी बात की जाए। False, ठीक है, फिर अपन फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स ये ले लेते हैं, ठीक है, 4 केस। तो देखिए क्या क्या बनेगा, ये तो चलो निगेशन पी लिखना है, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ठीक है, पी इंप्लाइज क्यू के लिए क्या केस आता है, इस केस में ये फॉल्स हो जाएगा, बाकी सब में ट्रू हो जाएगा, बस यही है। ठीक है, निगेशन P आपके पास है और Q है ना, निगेशन P एंड Q, तो यहां से आपके पास स्टेटमेंट क्या क्या बनेगा, जहां कहीं भी फॉल्स होगा वो फॉल्स हो जाएगा, तो अगर इन दोनों में देखें फॉल्स है तो फॉल्स हो गया, है ना, फिर यहां पे फॉल्स होगा, इन दोनों का ट्रू होगा, इन दोनों का फॉल्स हो जाएगा, सही है। अब डबल इम्प्लीकेशन, ठीक है, अब इन दोनों के लिए अपने पास क्या क्या आएगा, डबल इम्प्लीकेशन के लिए आपका फॉल्स फॉल्स है, ठीक है, तो फॉल्स फॉल्स के लिए आपके पास ट्रू हो जाएगा, ट्रू ट्रू के लिए ट्रू हो जाएगा, ट्रू फॉल्स के लिए आपका फॉल्स रहेगा, ट्रू फॉल्स के लिए आपका फॉल्स रहेगा, तो ये आपका टॉटोलॉजी या फैलेसी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या कहा जा रहा है कि 2a, a+1, है ना, 2a, a+1 ये जो है इंटीरियर पॉइंट है लार्जर सेगमेंट ऑफ सर्कल मेड बाई द कॉर्ड। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए आप सर्कल का सेंटर है 1, 1, है ना, और रेडियस उसकी कितनी है, तो इसकी रेडियस हो जाएगी आपकी कितनी, √10, ठीक है, 1, 1 सेंटर और √10 आपका रेडियस है, और इधर है आपका कॉर्ड x - y + 1 = 0, ठीक है, x - y + 1 = 0,
ठीक है, तो पहले तो 2a a plus 1 को सर्कल के अंदर लाई करना चाहिए, तो सर्कल के अंदर लाई करना चाहिए, तो s1 कितना होगा नेगेटिव, मतलब 2a का स्क्वायर a plus 1 का होल स्क्वायर है ना, 2 into 2a, 2 into a plus 1 और minus 8, ये आपका नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से अपन थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर a स्क्वायर 5a स्क्वायर हो गया, यहाँ से आपका 2a है, यहाँ से आपका माइनस 4a माइनस 2a, ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस 2 माइनस 8 माइनस 9, ठीक है, तो 5a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 5a माइनस 9, तो यहाँ पे आपका a प्लस 1 इंटू 5a माइनस 9 इज लेस देन 0, तो a आपका वेरी करता है माइनस 1 से लेके 9 बाई 5 सर्कल के इंटीरियर में रहने के लिए, है ना। अब देखिए अगर बड़ा पोर्शन है, ठीक है भाई, सर्कल है ना, सर्कल को कोई लाइन कट करती है, तो जो लार्जर पोर्शन है सेंटर उसी में लाई करेगा ना भाई, सेंटर लार्जर पोर्शन में ही लाई करेगा ना, अगर सर्कल का कुछ यहां से लाइन पास करती है तो दो जो हिस्से हैं, एक ये छोटा हिस्सा ये है, ये लार्जर सेगमेंट है, तो लार्जर सेगमेंट में सेंटर लाई करेगा, इसका मतलब कि 2a कॉमा a प्लस 1 को उसी साइड में लाई करना चाहिए लाइन के रिस्पेक्ट में देखा जाए जिस साइड में सेंटर लाई करता है। ठीक है भाई, इस लाइन के लिए ये लार्जर सेगमेंट है और वहां पे सेंटर आपका 1 1 लाई करता है और इसी सेगमेंट में आपका 2a कॉमा a प्लस 1 को लाई करना चाहिए, तो लाइन की इक्वेशन है आपकी x माइनस वाई प्लस 1, आप 1 1 रख के देखो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना, तो इसका मतलब 2a कॉमा a प्लस 1 को रख करके भी उसको कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो a आपका पॉजिटिव होना चाहिए और ये इधर से आपके पास रेस्ट्रिक्शन है, तो a आपका 0 से लेके 9 बाई 5 के बीच वेरी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 में आप कुछ इस तरीके की सिचुएशन दी गई है कि तीन अलग अलग सर्कल्स हैं, ठीक है, R1 और R और R2 इनके रेडियाई है और फिर कहा जा रहा है कि ये पेयर वाइज ये टच करते हैं सभी एक दूसरे को एक्सटर्नली, ठीक है, एक्सटर्नली टच करते हैं, तो अपन एक काम करते हैं इस तरीके का, सभी को टच करना था तो अपन ऐसा बना लेते हैं, है ना, इसको B बोल दिया मैंने और इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को C बोल दिया। ठीक है, सभी एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं और एक लाइन है जो कि तीनों को टच करती है। ठीक है, इसका रेडियस R1 मान लो, इसका R2 और इसका R, है ना, तो अगर हम AB लेंथ की बात करें तो AB लेंथ कितनी होगी, AB लेंथ आपकी होगी कितनी, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितना होता है, दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, तो R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाता है, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, यही होता है ना, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, तो वही यहां पे आ जाएगा, दिस इज योर 2 अंडर रूट R1 R2, ठीक है, सॉरी ये तो R था ना, तो R1 इसको ले लिया मैंने और इसको R बोल दिया, तो R प्लस R1 यहां पे R माइनस या फिर R1 माइनस R, तो R और R1 का प्रोडक्ट यहां पे आ जाएगा। ठीक है, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकाल रहे हैं, एक की रेडियस R1 है एक की R है, तो चूंकि दोनों एक्सटर्नली टच करते थे इसलिए सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, R प्लस R1। सिमिलरली BC कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट R R2, है ना, AC कितना होगा, 2 अंडर रूट R1 R2, तो AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। ठीक है, तो अंडर रूट R R1 प्लस अंडर रूट आर आर टू इज इक्वल टू अंडर रूट R1 R2। ठीक है, तो अंडर रूट R आपने निकाल लिया कॉमन, बचा आपके पास अंडर रूट R1 प्लस अंडर रूट R2, कितनी कितनी है वैल्यूज पुट कर देते हैं, अंडर रूट R1 है आपका 6 और ये है 36 इज इक्वल टू 6 इंटू 30 आ जाएगा 180, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, अंडर रूट R की इनफैक्ट पूछा गया है 5 के बराबर ही आ जाएगी। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स को यहाँ पे यूज करना पड़ रहा है। ठीक है, बढ़िया सवाल था। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, अब ये वैल्यू पुटिंग से रिलेटेड है, आप n की वैल्यूज रख करके चेक कर लो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें मैं अलग से कुछ नहीं बता रहा, n की वैल्यूज रखनी है बस आपको 1 से बड़ी। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या कहा जा रहा है, mn आपका एक पॉइंट है फ्रॉम विच टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, तो
दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कहां से ड्रॉ की जा सकती हैं? डायरेक्टर सर्कल से, है ना। तो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या होगी इसके लिए, अगर देखें तो एक्स स्क्वायर बाई फाइव है प्लस वाई स्क्वायर बाई फोर इज इक्वल टू वन। की डायरेक्टर सर्कल क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होगी डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, इस सर्कल पे एम एन कोई पॉइंट है, तो इस सर्कल का पॉइंट मतलब थ्री कॉस थीटा थ्री साइन थीटा, यही होगा ना। एक एम हो गया, एक एन हो गया, आपको निकालना क्या है, फोर एम मतलब ट्वेल्व कॉस थीटा प्लस थ्री एन है ना, तो नाइन साइन थीटा। तो ट्वेल्व कॉस थीटा प्लस नाइन साइन थीटा कहां से कहां के बीच वेरी कर सकता है, भाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में। ठीक है, तो ये कहां से कहां तक वेरी करेगा, मिनिमम माइनस 15 मैक्सिमम प्लस 15। तो काफी इजी क्वेश्चन था ये भी आपका। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए एक्सप्रेशन है और इसको कहा जा रहा है कि इसके दो रैशनल फैक्टर्स कब बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड डिग्री क्वेश्चन तो नहीं लिखती है, रैशनल फैक्टर्स के बारे में कहा जा रहा है ना। टू ए वाई जेड सॉरी और टू बी जेड एक्स और टू सी एक्स वाई कैन बी रिजॉल्व इन टू रैशनल फैक्टर्स। ओके, ठीक है, तो इसको भी अपन वही स्ट्रेट लाइंस में ही कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। देखो ये हमने कहा भी था कि स्ट्रेट लाइंस से रिलेटेड इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन रहेगी, लेकिन वो कहीं जिक्र नहीं किया जाएगा कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, कहा जाएगा कि इस एक्सप्रेशन के दो रैशनल फैक्टर्स या दो फैक्टर्स में इसको किस तरीके से ब्रेक किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की अगर एक इक्वेशन दोगे मुझे, तो मैं फिर उसको दो अलग अलग लाइंस के फॉर्म में सेपरेट कर पाऊंगा। अगर कोई अदर कर्व होगा तो हम उस तरीके से सेपरेट करके नहीं लिख पाएंगे। मतलब अगर इसको हमने मान लो कि ऐसा लिख दिया, जेड स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, एक्स बाई जेड का होल स्क्वायर वाई बाई जेड का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस टू। ठीक है, किससे डिवाइड किया था, जेड स्क्वायर से, तो ए वाई बाई जेड, ठीक है, बी जेड बाई बी एक्स वाई जेड और सी एक्स वाई जेड इंटू वाई बाई जेड। ठीक है, और इसका फैक्टर हो जाना चाहिए क्योंकि जेड स्क्वायर, तो चलो जेड तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने यही किया कि ये अगर हम जेड स्क्वायर बाहर निकाल लें तो अब हमारे पास ये एक इक्वेशन लिखी हुई है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन। इसको बनाया जा सकता है कैसे, अगर इसको भाई एक्स बोल दो, इसको वाई बोल दो। ठीक है, तो ये क्या लिखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू ए है ना वाई प्लस टू बी एक्स प्लस टू एक्स वाई। ठीक है, ये आपका पेयर वाइज प्रोडक्ट, मतलब ये दो लाइंस का प्रोडक्ट अगर हो जाए, मतलब इसके दो फैक्टर्स हो जाएं, L1X plus M1Y plus N1 और दूसरा L2X plus M2Y plus N2, तो काम बन जाएगा। तो आपको रिक्वायरमेंट है कि इसको आपको एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन शो करना है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे शो हो सकती है, ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब बनेगी, जब ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर जीरो के बराबर। यही होता है ना, वो जो डिटर्मिनेंट निकालते हो, है ना, कि डिटर्मिनेंट जीरो होना चाहिए डेल्टा, तो उसका आउटकम यही आता है। ठीक है, तो रख देते हैं यहाँ पे, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट को कहते हैं, बी किसको बोलते हैं, वाई स्क्वायर के कोफिशियंट को। ठीक है, सी किसको बोलते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म को। तो यहाँ पे देखो तो यही है ए बी सी। एफ जी एच, एफ किसको बोलते हैं, जी किसको बोलते हैं, एक्स और वाई के कोफिशियंट्स, और एच किसको बोलते हैं, एक्स इंटू वाई के कोफिशियंट्स। तो टू ए सॉरी जी कितना हो गया तुम्हारा, जी हो गया बी के बराबर, एफ कितना हो गया, ए के बराबर। ठीक है, एच कितना हो गया, वन के बराबर, तो ये ए बी हो गया। माइनस ए एफ स्क्वायर, एफ स्क्वायर का मतलब क्या है, एफ स्क्वायर का मतलब है ए स्क्वायर।
बी स्क्वायर का मतलब क्या है, जी स्क्वायर का मतलब बी स्क्वायर, सी तो ठीक है, एच स्क्वायर का मतलब 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एच तुम्हारा बेसिकली सी है ना। क्या हुआ, जेड स्क्वायर को हमने बाहर किया और फिर बाकी बची हुई टर्म को हमने कहा कि ये दो फैक्टर्स, दो रैशनल फैक्टर्स में कब ब्रेक हो पाएगा, जब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए इसको ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। रख दिया, यहां से कितना आ गया, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ठीक है, और यहां से आपके पास कितना है, 2abc, है ना, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इज इक्वल टू, इन दो तीनों का सम आपका 3abc के बराबर आ जा रहा है। नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन नंबर 15 में, 15 आपका इजी सा क्वेश्चन दिया हुआ है, ए प्लस बी आप देख सकते हो पाई बाई 4 है ना, ऊपर का देखें 1 प्लस 10 11 और 10 34 की बात की जा रही है, नीचे 17 और 28 है, तो वैसे तो मैंने ये चीज कराई हुई थी, बट ठीक है यहाँ से एक बार और देख लेते। ए प्लस बी आपका पाई बाई 4 अगर रहता है तो 10 दोनों साइड अप्लाई किया, 10 ओवर ए प्लस बी, तो 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी इज इक्वल टू कितना, 1 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 माइनस 10 ए 10 बी इज इक्वल टू 10 ए प्लस 10 बी, है ना। आपको क्या निकालना है, 1 प्लस 10 ए इंटू 1 प्लस 10 बी, यही तो निकालना है दोनों एक्सप्रेशंस में। तो 1 प्लस 10 ए और 1 प्लस 10 बी का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 1 प्लस 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 ए 10 बी, है ना। आप देख सकते हो 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 ए 10 बी इसकी वैल्यू कितनी है, 1 के बराबर, दिस इज इक्वल टू 2। तो ऊपर भी आपका 2 ही लिखा है, नीचे भी आपका 2 ही लिखा हुआ है, बिकॉज दोनों ही केसेस में a प्लस बी आपका 45 ही था, तो आंसर आपका 2 बाई 2 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 टफ क्वेश्चन है, डायरेक्टली क्लिक करना थोड़ा मुश्किल है, जैसे आपका 14th क्वेश्चन भी टफ ही था, है ना। तो x1 प्लस 1 बाई x2 दिया गया, ठीक है, पॉजिटिव बोला गया है, यही बस एक हमारे पास क्लू है यहाँ पे, है ना, 4 पॉजिटिव रियल नंबर्स। पॉजिटिव अगर हो तो एक बार को AMGM के बारे में सोचना चाहिए, और इसलिए अपन यहां पे जा सकते हैं 2 अंडर रूट x1 बाई x2 होगा, AM ग्रेटर देन GM, ऐसे ही x2 और 1 बाई x3 पे लगा दीजिए, 2 अंडर रूट x2 बाई x3, फिर ऐसे ही x3 और x4 था, है ना, x3 प्लस 1 बाई x4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 अंडर रूट x3 बाई x4, और लास्ट वाले में x4 प्लस 1 बाई x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 अंडर रूट x4 बाई x1। अगर आप चारों का प्रोडक्ट कर लो, ठीक है, तो चारों का प्रोडक्ट आपके पास कितना आ जाएगा, x1 प्लस 1 बाई x2 x2 प्लस 1 बाई x3, है ना, चारों का प्रोडक्ट आपने किया तो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आएगा, 2 कितनी बार, 4 बार, 16 अंडर रूट के टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन 1, तो ये प्रोडक्ट आपका हमेशा 16 से बड़ा ही होगा, ऐसा कहा जा रहा है। अब ये प्रोडक्ट आपका 16 से बड़ा होगा, लेकिन क्वेश्चन कैसा दिया गया, क्वेश्चन में जो टर्म्स दिए गए हैं उनका प्रोडक्ट ऑलरेडी 16 है, क्वेश्चन में देखें तो इन चारों का प्रोडक्ट आपका 16 ही है, तो इसका मतलब ये इक्वालिटी कब होल्ड की होगी, जब ये सारी इक्वालिटीज होल्ड करी होंगी, और ये सारी इक्वालिटीज कब होल्ड करेंगी, जब x1 आपका 1 बाई x2 हो, x2 आपका 1 बाई x3 हो, x3 आपका 1 बाई x4 हो, और x4 आपका 1 बाई x1 हो, है ना। अब x1 प्लस 1 बाई x2 आपका 4 था, तो इसको कितना होना पड़ेगा, 2, ठीक है, सही है, x1 को आपके 2 होना पड़ेगा, है ना। अब अगर आपका x1 2 हो गया तो x2 कितना हो गया, इसका रेसिप्रोकल 1 बाई 2, x3 कितना हो गया, सॉरी x4 कितना हुआ, 1 बाई 2 हुआ, x3 कितना हुआ, 2 के बराबर हो गया, है ना। इस तरीके से ये आपका सारे सॉल्यूशंस आएंगे। थोड़ा टफ क्वेश्चन था AMGM का, थोड़ा सा डायरेक्टली क्लिक करना थोड़ा मुश्किल है, और जो प्रोसेस है वो नॉर्मल क्वेश्चन से AMGM के थोड़ा सा डिफरेंट भी है, क्वेश्चन भी और जो प्रोसेस है वो भी। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, 17 था आपको क्या कहा जा रहा है कि आपका जो SN है, ठीक है, SN आपको गिवन है
एन बाई सिक्स टू एन स्क्वायर प्लस नाइन एन प्लस 13। तो अगर एस एन पता है तो टी एन निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? एस एन माइनस वन, इसी से निकालते हैं। तो एन बाई सिक्स टू एन स्क्वायर प्लस नाइन एन प्लस 13 माइनस, यहाँ एन माइनस एन की जगह एन माइनस वन रखते जाए, एन माइनस वन बाई सिक्स टू इंटू एन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस नाइन इंटू एन माइनस वन प्लस 13 ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये सिंप्लीफाई हो करके आपका बन जा रहा है क्या, वो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ठीक है, दिस इज कमिंग आउट एज एन प्लस वन होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये बात। तो ये आपका n प्लस वन का होल स्क्वायर आ रहा है। अब आपको करना क्या है, आपको करना है समेशन ओवर वन अपॉन r अंडर रूट टी आर। तो समेशन ओवर वन अपॉन r एज इट इज रहा, अंडर रूट टी आर मतलब r प्लस वन। ठीक है, विच इज समेशन ओवर वन अपॉन r माइनस वन अपॉन r प्लस वन। ठीक है, r कहां से कहां तक आपका वेरी कर रहा है, वन से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो T1 जब आप लिखोगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2। T2 जब आप लिखोगे तो 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपका इनफाइनाइट तक जाना है तो सम कितना हो जाएगा, इसी पहले वाली टर्म 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो खैर ये तो आसान क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं एक बार। एटीन में आपके पास ए बी सी तीन एक्सप्रेशंस हैं और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप ए को देखो तो ए आपका क्या लिखा हुआ है, ए को कॉमन निकाल लूं, बी माइनस सी और ए प्लस बी प्लस सी, ये इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, है ना, आपके पास 18 जो ए एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ए को अगर कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा, ए बी है ना और बी स्क्वायर है माइनस ए सी। ठीक है, मतलब अगर आप इसमें डायरेक्टली फैक्टर्स कर लो तो आपको दिख रहा है ना कि ए स्क्वायर के साथ बी माइनस सी है प्लस ए के साथ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, तो वहां से ये दो फैक्टर्स आपके पास बन जाएंगे। सेम तरीके से बी के लिए क्या आएगा, बी इंटू सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। सी का कितना आ रहा है, सी इंटू ए माइनस बी ए प्लस बी प्लस सी, यही है ना, ये आपके ए बी सी लिखे हुए हैं। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में जब आप लिखोगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस थिंग इंटू एक्स स्क्वायर दिस थिंग इंटू एक्स प्लस दिस थिंग इज इक्वल टू जीरो। तो हम देख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी तो आपका कॉमन हो गया, बाकी क्या बचेगा, ए इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन जीरो है, तो मतलब ये चीज तो जीरो नहीं हो सकती, जीरो जो भी होना है वो यहीं से आएगा। ठीक है, तो दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। ठीक है, इस इक्वेशन के लिए कहा जा रहा है कि रूट्स कैसे आपस में बराबर है, तो अगर इसके रूट्स बराबर हैं तो इसका डी कितना होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए, है ना। वैसे एक और चीज देख सकते हो, इसमें सारे कोफिशियंट्स का सम जीरो है, मतलब वन इसका एक सोल्यूशन होगा, होगा ए बी माइनस ए सी, बी सी माइनस सी ए और सी ए माइनस ए बी, तो ये वन इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होना चाहिए, वन के बराबर होना चाहिए, तो सी ए माइनस सी बी और नीचे है तुम्हारा ए बी माइनस ए सी, यही है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वन के बराबर, तो विच गिव्स यू सी ए माइनस सी बी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी, एक साइड ले आए टू ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। अगर आप इसको ए बी सी से डिवाइड कर देते हो तो पता चल जाएगा कि ए बी सी आपके कैसे हैं, एच पी के टर्म्स हैं। ठीक है, तो अगेन गुड क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है, 19th क्वेश्चन में बोला गया कि डिनोमिनेटर के बारे में अगर बात करें तो ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है। डिनोमिनेटर का अगर डिस्क्रिमिनेंट देखो तो नेगेटिव है, लीडिंग कोफिशियंट पॉजिटिव है, इसका मतलब डिनोमिनेटर खुद में एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन ही देगा, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। ठीक है,
पर ये प्लस टू लिख दिया था, माइनस टू है यहाँ पे, है ना, तो टू एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस थ्री एक्स और माइनस टू प्लस फोर टू ग्रेटर देन जीरो, ये हमेशा ट्रू होना चाहिए। मतलब इसके डी को कैसा होना पड़ेगा, नेगेटिव, तो एम प्लस थ्री का होल स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स टू इंटू टू लेस देन जीरो, सो एम प्लस थ्री होल स्क्वायर इज लेस देन 16, तो एम प्लस थ्री कैसा होगा आपका, माइनस फोर और फोर के बीच वेरी करेगा, सो एम वेरीज फ्रॉम माइनस सेवन टू वन। कौन से इंटीजर्स पॉसिबल हुए, माइनस सिक्स से स्टार्ट होंगे, जीरो तक जाएंगे, ठीक है, ये दोनों एक्सक्लूडेड है खुद में। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या कहा जा रहा है कि ये इक्लिप्स का इक्वेशन है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ आर इज, तो आपके आर स्क्वायर माइनस आर माइनस सिक्स को कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए ना, भाई नीचे ए स्क्वायर होता है तो दिस क्वांटिटी शुड बी पॉजिटिव, एंड सिमिलरली आर स्क्वायर माइनस सिक्स आर प्लस फाइव शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए, ऐसे आर आपके लिए एप्लीकेबल है। तो आर माइनस थ्री आर प्लस टू पॉजिटिव, और यहां पे आर माइनस वन आर माइनस फाइव पॉजिटिव, तो ये पहले वाले का आ जाएगा आर बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस टू यूनियन थ्री से इंफिनिटी, और यहां आ जाएगा दूसरे वाले से r belongs to माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 5 से इंफिनिटी, ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन आपका सॉल्यूशन हो जाएगा फाइनल, ठीक है, मतलब 5 से इंफिनिटी हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यूज कही गई हैं। इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में आते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज जो भी हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या कहा गया है, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन रेशियो 1:1:4, रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल टू इट्स लार्जेस्ट साइड इज लैम्डा, ठीक है, देन लैम्डा प्लस 20 बताना है, तो 1 प्लस 1:1:4 मतलब एंगल्स क्या हो गए 30, 30, 120, ठीक है ना, तो ए बाई साइन ए साइन 30, बी बाई साइन 30 और सी बाई साइन 120, यही रहेगा, रेशियोज ही है ना, है ना, हमें क्या निकालना है भाई, देखो सी ए की बात कर लेता हूं मैं, ए कितना हो गया सी इंटू साइन 30 मतलब हाफ, साइन 120 मतलब रूट थ्री बाई टू, सी बाई रूट थ्री, बी भी क्या हो गया सी बाई रूट थ्री। आपको क्या करना है, आपको पेरीमीटर का रेशियो निकालना है लार्जेस्ट साइड से, तो लार्जेस्ट साइड कौन सी होगी, सी होगी ना, सबसे बड़े वाले एंगल के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है, तो सबसे बड़ी साइड कौन है, सी है, वैसे भी यहां से भी समझ सकते हो ए इज इक्वल टू सी बाई रूट थ्री लिखा है, बी इज इक्वल टू सी बाई रूट थ्री, सबसे बड़ा सी है, तो आपको निकालना है ए प्लस बी प्लस सी बाई सी, तो सबका सम कितना हो गया 2c/√3 प्लस सी बाई सी, तो सी ने कट कर दिया, बचा 2/√3 + 1, ठीक है, ये आपका लैम्डा हो गया। 22 में देखो क्या कहा जा रहा है, ये बॉक्स है, इसमें आपको 6x प्लेस करने हैं, ठीक है, सो दैट नो रोज रिमेन एम्प्टी, तो आप देखो टोटल कितने आपके पास प्लेसेस कितने हैं, 4 इस रो में हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे, मतलब टोटल 8 प्लेसेस हैं, 8 में से 6 प्लेसेस तुम चूज कर लो x के लिए, सिंपल सी बात है, ठीक है, तो 8c6 आपके पास नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, ठीक है, ये नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, लेकिन इसमें एक बार ऐसा हो सकता है कि 4 यहां भर दिए और 2 ऊपर भर दिए, ये वाली रो खाली रहेगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि 4 यहां भर दिए 2 नीचे भर दिए, ये वाली रो खाली हो गई, और कोई तरीका नहीं है कि रो एम्प्टी रह जाए, तो 2 ही तरीके हैं, जबकि इनमें से 2 ऐसे वेज होंगे जबकि यहां पे 4 और इसमें 2, ये खाली रह गया, दूसरा यहां पे 4 यहां पे 2 ये खाली रह गया, बस यही 2 तरीके हैं जबकि रो आपकी एम्प्टी रह जाएगी, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, सिंपली 8c6-2, ठीक है। 23 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एरिया ऑफ द कर्व इनक्लोज्ड बाय 2 mod x + 3 mod y < or = 6, तो ये आपको देखिए क्या 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 आएगा यहां पे, जब आप सिंपल सी बात है, मैंने कहा था हमेशा ऐसे में इनइक्वालिटी कभी दिखे तो आप इक्वालिटी के करस्पॉन्डिंग सोचा करो, ठीक है, आप ये करो बनाने की सोचो, तो जब आप y mod y को 0 रखोगे, है ना, तो x क्या मिलेगा आपको, mod x 3, तो आपका 1.3, 0 और एक पॉइंट आ गया -3, 0, ठीक है, जब इसको 0 रखोगे तो
0, 2, 0, -2, ठीक है। तो ये लाइनें आएंगी आपके पास, ठीक है, और ये चारों लाइनों से आपके पास जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसका एरिया निकालना है आपको, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है आपका, ये आपका रोम्बस बन जाएगा, इस रोम्बस का आपको एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, हाफ डी वन इंटू डी टू। 24th में देखिए, क्यूबिक के लिए कहा जा रहा है हैज ओनली वन रियल रूट, तो आप के लिए रेंज बताइए कि के कहां से कहां तक वेरी करेगा, अकॉर्डिंगली ए भी पता चल जाएंगे। तो ऐसे सवाल कैसे करते थे हम, ग्राफ बना करके। तो आपको एफ एक्स दिया गया है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू, ठीक है, इसका ग्राफ बनाइए। एफ डैश कितना आएगा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स, थ्री एक्स इंटू एक्स माइनस टू, मतलब एफ डैश जीरो कब कब होगा, जबकि एक्स जीरो हो जाए या तो एक्स टू हो जाए, ठीक है। तो एफ टू निकाल लिया, एफ जीरो निकाल लिया, एफ जीरो की वैल्यू कितनी आएगी टू के बराबर, एफ टू की वैल्यू कितनी आएगी एट प्लस टू टेन माइनस माइनस टू के बराबर, ठीक है। तो ग्राफ अगर बनाए हम तो दो क्रिटिकल पॉइंट मिल रहे हैं इसको, जीरो पे और टू पे। जीरो पे वैल्यू कितनी है टू के बराबर है, टू पे वैल्यू कितनी है माइनस टू के बराबर है, है ना। ग्राफ कुछ ऐसा, सॉरी ऐसा, ठीक है, कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा, है ना। टू पे वैल्यू एट प्लस टू टेन माइनस ट्वेल्व, ठीक है। तो अब कहा जा रहा है कि इसका एक ही रूट हो, ठीक है, ये तो ग्राफ हो गया। तो अब बताओ इज इक्वल टू के मतलब कौन सी ऐसी लाइन खींचूं जो कि इस कर्व को सिर्फ एक ही बार इंटरसेक्ट करे। तो या तो यहां मतलब इस टू से मतलब k ग्रेटर देन 2 खींच ले कोई सा भी, भाई इस केस में कितने सॉल्यूशन होंगे, एक और एक दो, इससे ऊपर की कोई भी, ये k इक्वल टू 2 है ना, तो k ग्रेटर देन 2 अगर लेते हो तो तुम्हारे पास सॉल्यूशंस कितने आएंगे, एक ही आएगा। और इसी तरीके से अगर k तो माइनस 2 से नीचे का लेते हो तब भी तुम्हारे पास सॉल्यूशंस कितने आएंगे, एक ही सॉल्यूशन क्रिएट होगा। तो a तुम्हारा माइनस 2 है, b तुम्हारा 2 के बराबर है। लास्ट क्वेश्चन आपका स्टैटिस्टिक्स से पूछा गया है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस 15, 16। अच्छा तो क्या किया इसने, देखो अब सीधी सीधी से क्वेश्चन नहीं है, तुम्हारा पूरा का पूरा एक सेट दिया हुआ है और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन रूट 10 आता है, है ना। अब देखो अगर आप ऑब्जर्व करो तो हर एक क्वांटिटी में 20 जोड़ दिया गया, माइनस 5 में 20 जोड़ा 15, माइनस 4 में 20 जोड़ा 16, ऐसे ही लास्ट वाले 5 में 20 जोड़ा 25। तो क्या किया, पूरे के पूरे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन की शिफ्टिंग कर दी। तो हमने ये कहा था कि स्टैंडर्ड डिविएशन को शिफ्टिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, स्केलिंग से फर्क पड़ता है, शिफ्टिंग से फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या हुआ है, हर एक नंबर में इसने 20 जोड़ दिया है, तो 20 ऐड करने से स्टैंडर्ड डिविएशन चेंज हो जाएगा क्या, नहीं चेंज होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन जो पहले था वही रहने वाला है, आंसर रूट 10 ही आएगा स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम ओवरऑल पेपर का डिस्कशन एंड करते हैं। हमारे पास अगर देखा जाए जो टफ क्वेश्चंस थे, जिससे आपका 73 में इस क्वेश्चन 23 में मतलब कुछ लोगों को प्रॉब्लम आई होगी, ये टफ क्वेश्चन था। फिर इस तरीके से आप देखें जो 18th क्वेश्चन है उसमें मुश्किल होनी चाहिए, मतलब हुई हो सकती है, एक्सेप्टेबल है। 16th क्वेश्चन टफ था, 14th क्वेश्चन आपका टफ था, ठीक है, 11th क्वेश्चन भी आपका टफ रेट किया जाएगा। और अपन अगर देखें तो आपका 6th क्वेश्चन भी टफ ही रेट करेंगे, ठीक है। तो पेपर थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में इसको कहा जाएगा, एम्प्टी था ऑब्वियसली, एक्सपेक्टेड है, और आगे आने वाले AIOTs के लिए भी यही वार्निंग है कि ये इससे भी और ज़्यादा टफर साइड पे होंगे, ठीक है। तो कंपैरेटिवली ये जो पेपर है आपका ये मॉडरेट टू टफ में रेट करना होगा आपको। आपके पास आसान क्वेश्चंस भी थे, आपको सबसे पहले उन्हें टारगेट करना चाहिए, जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है, 1 से 5 आपके ईजी क्वेश्चन थे, 7th ईजी था आपका, 8th ईजी था, 9th ईजी था, इनको आप ईजी रेट कर सकते हो, ठीक है। फिर आप देखो अगर तो 13th क्वेश्चन आपका ईजी था, है ना, 15th क्वेश्चन आपका इजी था,
17th क्वेश्चन आपका इजी था, बिल्कुल एकदम पैटर्न वाले सवाल थे ये सब, ठीक है। 19th क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन, बिल्कुल मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछे गए थे। 21 क्वेश्चन, तो इन सब में आप ज़्यादा समय लगाएं रेदर देन कि हम 5-6 कठिन सवालों पे ज़्यादा हमने टाइम बर्बाद कर दिया ऐसा करने की जगह पे। तो यहाँ पे हमारा ये पेपर का डिस्कशन एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन के साथ। थैंक यू ऑल।